चरण को धनि के न छुड़ाए खी लाकत ली लाल एडिया मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के इन पातले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों पलन वालो निरखो नेत्रे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव की तो सुबह सरे स्वरूप की क्यों कहे जुबा इन लेरे नेरे पहुंचे आकाश लो और ठोर कोई मोमीन और ठोर कोई मोमीन आशिक न लेवे दानाई प्राणेश्वर अक्षरातीत ने इस सागर ग्रंथ में अपने हृदय के सभी सागरों को उड़ेल डाला है। संसार में सागर का विस्तार मानवीय बुद्धि के लिए अनंत कहा जाता है। इसको बंद कर दें, इसको बंद कर दें। जब तक ये विज्ञान प्रारंभ नहीं हुआ था, विज्ञान का जो आजकल तो हम सागर की गहराइयों को नाप लेते हैं, जितने महासागर हैं सबकी जितनी बड़ी बड़ी गर्तें हैं सबको आज नापा जा चुका है। दुनिया में जो सबसे गहरी गर्त है प्रशांत महासागर के, चैलेंजर गर्त उसका नाम है, उसकी गहराई है 10,000 कुछ मीटर। एवरेस्ट की चोटी है 8,848 मीटर, जितनी ऊंची है उससे गहरी प्रशांत महासागर की गर्त है। पहले संभव नहीं था। आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाइए, जिधर देखिए केवल पानी पानी दिखता है, दूसरी तरफ अंधकार दिखता है। तो आज से 100, 200, 200 वर्ष पहले सागर एक असीमता का बोध कराने के लिए था। सागर में कितना जल है संभव नहीं था माप पाना, आज संभव है। आज विज्ञान के युग में हम माप सकते हैं सागरों की लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल माप कर कि सागर के अंदर कितना पानी है, कौन सी गहरी कितनी गहरी गर्त है, पहले संभव नहीं थी। उसी तरह से जब असीमता की बात आती है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी माप ना सके, तो सागर से दृष्टांत दिया जाता था। अक्षरातीत का सौंदर्य कितना है इसकी कोई माप नहीं हो सकती, और अक्षरातीत स्वयं भी अपनी शोभा का यथार्थ रूप में वर्णन करने में असमर्थ है। क्यों? ये निर्णय करना अर्श का तिनमें भी हकजात, नूर अकल इत क्या करे जित लदुन्नी गोते खात। दो चीजें हैं, लदुन्नी गोते खा रही है और नूर अकल। सुंदर साथ में जब बात चलती है तो कई विवाद खड़े हो जाते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, ब्रह्मवाणी क्या कह रही है और हमारी अंतरात्मा क्या कह रही है। यदि शुद्ध हृदय से अंतरात्मा की पुकार सुनेंगे तो यथार्थ सत्य विदित हो जाएगा, क्योंकि वाणी में क्या कहा है, श्री महम्मद के मोमिनो ये ऐसी बका कुंजी इलम, ये मेहर देखो महबूब की तुमको आप पढ़ाए खुद कसम। जब आप अपनी आत्मा का तार अक्षरातीत के हृदय से जोड़ लेंगे तो आपके हृदय में अक्षरातीत की कृपा से ज्ञान की वो अमृत धारा बहने लगेगी, संभव है जिसको आपने किसी परंपरा से नहीं सुना हो, क्योंकि मानवीय बुद्धि की एक सीमा है। तारतम वाणी में सब कुछ निहित है, किंतु तारतम वाणी के गुह रहस्यों को समझने के लिए
हमें अक्सर अतीत के चरण कमलों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मानवीय बुद्धि 8% से अधिक नहीं जान सकती, और 100% बुद्धि का उपयोग करने वाला इस समय संसार में कोई भी नहीं है। लेकिन राज्य की विशेष कृपा है सुंदर साथ पर, जो उस अक्षरातीत से प्रेम करता है, उस पर जागृत बुद्धि का और निज बुद्धि का विशेष प्रकाश पड़ता है। जागृत बुद्धि क्या है? अक्षर ब्रह्म की जो बुद्धि है वो जागृत बुद्धि कहलाती है। सुंदर साथ के मन में एक भ्रांति रहती है कि जागृत बुद्धि ही निज बुद्धि है, अक्षर की निज बुद्धि है असराफिल फरिश्ता, लेकिन परमधाम में तो कुछ और होगा। ना तो असराफिल है नूर का, क्यों कर सके जा आगे जाए, पर मगध मुसाफिर रूह में, मगध मुसाफिर नूर में लिया मोहम्मद संग रूह मिला। असराफिल जागृत बुद्धि किसका फरिश्ता है? अक्षर का फरिश्ता है। वाणी में राज्य खिलवत में कहते हैं, तुम कुदत हो अर्श में अपने इश्क के बल, तब सुत ये ना रहे न रहसी ये अकल। अब प्रश्न यह है, तुम कुदत हो अर्श में अपने इश्क के बल, ए सुध ना रहे न रहसी ए अकल का अर्थ क्या है? परम धाम में निज बुद्धि है जो प्रेममयी बुद्धि है, जिस बुद्धि में प्रेम का भी रस भरा है उसको निज बुद्धि कहते हैं। अक्षर की जागृत बुद्धि में प्रेम का वो पुट नहीं है जो श्यामा जी के अंदर है, सखियों के अंदर है, खूब खुशहालियों के अंदर है, वह प्रेम का रस अक्षर की जागृत बुद्धि में नहीं है। इसलिए कलश गुजराति में इस तथ्य को समझाया है कि मेरी संगति ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तारतम्य सब शुद्ध परी लीला अंदर की घर। तारतम ज्ञान से यह बोध होता है। अब तारतम क्या है? साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को होता, साक्षात स्वरूप इंद्रावती, इंद्रावती जी के अंदर राज्य का आवेश स्वरूप साक्षात विराजमान, इसलिए इंद्रावती जी को, महामती जी को तारतम का अवतार कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? अक्षरातीत के हृदय में जो इल्म का अनंत सागर उमड़ रहा है, एक बूंद आया हक दिल से तिन कायम किए थिरचर, इन एक बूंद की सिफत देखियो सुखोसी कैसा सागरोबल। महामती जी के धाम हृदय में मूल स्वरूप के हृदय से इल्म के सागर की एक बूंद आती है और वो सागर बन जाती है, नूर सागर, सूर मार्फत, मार्फत का सूरज है। अब वो कैसे संभव हुआ? अक्षर की आत्मा कह रही है कि मेरी संगते ऐसी सुधरी, महामती जी की आत्मा कह रही है, मेरी संगते ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तारतम्य सब शुद्ध परी लीला अंदर की घर। जो अक्षर ब्रह्म को पता नहीं, वो अक्षर की बुद्धि को कैसे पता चल सकता है? अक्षर की बुद्धि का ब्रह्मांड क्या है? केवल ब्रह्म। अक्षर की बुद्धि जो जागृत बुद्धि कहलाती है, वो असराफिल फरिश्ता है। असराफिल फरिश्ते को परम धाम का ज्ञान किसने दिया? राज्य के आवेश स्वरूप ने दिया। राज्य के आवेश स्वरूप में क्या है? परम धाम की सभी नीतियां। इल्म का सागर असराफिल की पहुंच के अंदर नहीं आता है। जो छठा सागर राज्य के दिल में उमड़ रहा है, इल्म का प्राण क्या है? इश्क। ये पांचवा सागर इश्क का सागर है, छठा सागर इल्म का सागर है, सातवां निस्बत का है, आठवां मेहर का सागर है। ये आठों सागर राज्य के हृदय में क्रीड़ा कर रहे हैं निरंतर, और उन्हीं आठों सागरों का बातिनी भेद इस सागर ग्रंथ में दर्शाया गया है। महामती जी को अक्षरातीत ने अपना स्वरूप बनाया, इसलिए उनको तारतम का स्वरूप कहा गया, तारतम का अवतार कहा गया। तारतम क्या? अक्षरातीत की जो पूर्ण पहचान देने वाला हो। अक्षरातीत की पूर्ण पहचान क्या है? हम आज तक जो जान नहीं सके थे, जो परम धाम में भी नहीं जान सके थे। परम धाम में क्या था? सखियों ने श्यामा जी को रिझाया, राज्य को रिझाया। राज्य बातिनी रूप से सखी और श्यामा जी को रिझाते हैं, ये किसी को पता नहीं। और श्यामा जी राज्य और सखियों दोनों को रिझाती है। कोई इस रहस्य को नहीं जानता कि राज्य के मार्फत स्वरूप दिल के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। मैं कई दिनों से चर्चा में इस बात को कह रहा हूँ, जो श्यामा जी का स्वरूप है, सखियों का स्वरूप है, खूब खुशहालियों का स्वरूप है, 25 पक्षों का स्वरूप है, वो राज्य के ही हृदय का व्यक्त स्वरूप है। राज्य का हृदय जब क्रीड़ा करता है
प्रेम और आनंद की रसधारा में वहदत का पुट देता है, निस्बत का स्वरूप प्रकट करता है, इश्क के रस में सबको डुबोए रखता है, तो वो कहलाता है हकीकत। जब सागर उमड़ने लगता है तो क्या करेगा, उसकी लहरें दिखती हैं, लहरों की किरणा दिखती है, यही तो परमधाम की लीला है। और उसी लहरों के रूप में श्यामा जी दिख रही हैं, सखियाँ दिख रही हैं, खूब खुशहालियाँ दिख रही हैं, 25 पक्षी दिख रहे हैं, पश पक्षी दिख रहे हैं, रंगमहल का दृश्य, हौज को सरमानिक पहाड़, पुखराज, पश्चिम की चौगान, ये क्या है। राज्य के हृदय में जो कुछ है, इसका है, इल्म है, वहदत है, निस्बत है, जो कुछ आप सोच सकते हैं। आठ सागर तो सीमा में कहे गए हैं, राज्य के दिल में अनंत सागर हैं, उन अनंत सागरों को सीमाबद्ध करके आठ में किया गया, और आठ सागरों की, जिसे सागर की एक एक लहर माना जाए, तो वो जो परम धाम में 25 पक्षों के अंदर आठ सागर आते हैं, आठ सागर आठ जिमी, वो एक एक सागर की लहर मात्र है। अक्षरातीत के हृदय में जो अनंत सागर उमड़ रहे हैं, उन सागरों की एक लहर ही आठ दिशाओं में आठ सागर आठ भूमिका का निर्माण करती है। आप सोचिए अक्षरातीत क्या है और कैसी विचित्र लीला है कि एक कण के अंदर भी सारा परम धाम का आनंद आ सकता है, एक फल के अंदर परम धाम के सभी फलों का आनंद, एक किसी के सौंदर्य में सारा आनंद समाहित होता है, फिर भी वो अनंत है। शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो क्या होगा, शून्य आएगा, शून्य में शून्य घटाएंगे तो शून्य होगा, अनंत में अनंत से गुणा कीजिए, भाग कीजिए, जोड़िए, घटाइए, अनंत ही रहेगा। इसलिए काल माया की तरह कहीं कम नहीं होता। इस काल माया के ब्रह्मांड में तो आज वैज्ञानिक चिंतित हो रहे हैं कि बर्फ़ पिघलेगी तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो समुद्र के किनारे के नगर डूब जाएंगे। परम धाम में ऐसा कुछ नहीं होता, न घटोत्तरी होती है न बढ़ोतरी होती है, एक रस रहता है, क्योंकि अनंत की माप कौन करेगा। और उस अनंत शोभा वाले, अनंत एकत्व वहदत वाले, अटूट निस्बत वाले, निस्बत का संबंध क्या होता है, निस्बत का अर्थ है लहर और सागर में क्या संबंध है। हम निस्बत का अर्थ सामान्य समझ लेते हैं कि किसी से संबंध जोड़ना, ऐसा नहीं है। शाब्दिक अर्थ तो यही होगा, किसी से जो संबंध है उसको निस्बत कहते हैं, लेकिन तारतम वाणी में जिसको निस्बत कहा गया है, उस निस्बत का तात्पर्य क्या है, हृदय में जो अव्यक्त है आठों सागर, उसका व्यक्त रूप जो प्रकट होता है, तो यह कहते हैं कि सागर लहरों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है और कुछ नहीं है। अभी प्रसंग चल रहा था कि जागृत बुद्धि और निज बुद्धि में क्या है, निज बुद्धि क्या है, अक्षरातीत के हृदय में इश्क से सना हुआ जो इल्म का सागर है, इल्म के सागर का प्राण क्या है, इश्क, और इश्क का प्राण क्या है, इल्म, दोनों एक दूसरे के पूरक है। इल्म के सागर की जो रसधारा है वो निज बुद्धि है, जो सखियों के अंदर है, श्यामा जी के अंदर है। परमधाम में भी सखियां रह जाती हैं। आप सोच सकते हैं कि परमधाम में इश्क है तो इल्म नहीं होगा, इल्म है, इल्म तो कई तरह का होता है। हम सुंदर साथ ग्रंथ पढ़ लेते हैं, वाणी पढ़ लेते हैं, तो आपस में झगड़ते रहते हैं, नहीं इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ ये होगा। झगड़ने का कारण क्या है, हमारी मानवीय बुद्धि हमें झगड़ने के लिए विवश करती है। जागृत बुद्धि सबके पास नहीं है, जागृत बुद्धि का ज्ञान सबके पास है। निजबुद्ध आवे अज्ञाए तोलो न छोटे मोह, राज्य का आदेश होगा, राज्य की कृपा होगी तो आपको निज बुद्धि मिलेगी। निज बुद्धि को पाने के लिए आपको इश्क में डूबना पड़ेगा, इसके पहले निज बुद्धि नहीं मिल सकती। आप ईमान में हैं तो आपको जागृत बुद्धि मिल सकती है। बीतक में प्रसंग आता है, जब श्री देवचंद जी के चरणों में श्री मीराज जाते हैं, तथी चौपाई आती है, जब मीराज चरणों में प्रणाम करते हैं, श्री देवचंद जी उनके सिर पर हाथ रखते हैं, तत्किर हृदय में ने आई वतन की जागृत बुद्धि, जागृत बुद्धि प्रवेश करती है। निज बुद्धि के बारे में सब सुंदर साथ को ये समझना होगा कि निज बुद्धि अक्षरातीत के हृदय की बुद्धि है, जो इल्म के सागर के रूप में महामती जी के धाम के हृदय में प्रकट हुई है, तभी वाणी कह रही है, अक्षर की आत्मा कह रही है कि मैं परम धाम के उस रसधारा को कैसे प्राप्त करूं।
धनी जी ध्यान तुम्हारे रे बैठे बुच्ची सहस चार, 4660 समय बीता दुनिया को भयो अचार। अक्षर की आत्मा ने महाराज की लीला देखी थी और महाराज की रात्रि के बाद 4660 वर्ष बीत जाते हैं, तब तक अक्षर की आत्मा प्रतीक्षा कर रही होती है कि कब अक्षरातीत के चरण कमल आएंगे, मुझे परमधाम की वहदत खिलवत निस्बत का सुख मिलेगा और मैं नख से सिख तक श्रृंगार को मैं जाऊंगा। अक्षर की आत्मा को जानना है। अभी तक अक्षर की आत्मा ने रास में केवल प्रेम की लीला का विलास देखा है। जो राजी श्यामा जी का श्रृंगार परम धाम में है वो वास्तविक श्रृंगार तो केवल ब्रह्म में नहीं है, परम धाम का करोड़ों अंश ही केवल ब्रह्म में है, लेकिन संसार के लिए वही अनंत है। जीव सृष्टि तो इसके बारे में कभी सोच ही नहीं सकती। मैंने आपको बताया कि एक सामान्य मनुष्य के अंदर मस्तिष्क के जितने कोष हैं सभी विकसित हो जाएं, या मस्तिष्क में ऐसी नाड़ियां हैं कि वो कई कोष तक उनकी लंबाई मानी गई है, यदि मनुष्य अपने सभी कोषों को विकसित कर ले तो दुनिया के सारे ग्रंथों को कंठस्थ कर सकता है। लेकिन जो दुनिया के सारे ग्रंथों को कंठस्थ करने वाला मानो तो पृथ्वी पर कोई है नहीं। सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? नारायण। और नारायण को भी यह पता नहीं है निराकार से परे की वास्तविक स्थिति क्या है। तो आप सोचिए, सो लीला अद्वैत परम धाम के बारे में हम मानवीय बुद्धि से कितना जान सकते हैं। हमको वाणी मिली है, वाणी से हम शब्दों का अर्थ करते हैं। यदि सबके पास जागृत बुद्धि है तो टीका करने की आवश्यकता नहीं, चर्चा सुनाने की जरूरत ही नहीं, सबको वाणी का अर्थ आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी सुंदर साथ को वाणी का अर्थ कम आता है, किसी को ज़्यादा आता है, कोई बहुत अच्छी तरह से समझता है। इसका कारण क्या है? इसमें मानवीय बुद्धि कार्य कर रही है। जिस पर जितनी राज्य की कृपा होती है उसको उतना जागृत बुद्धि का प्रकाश मिलता है और उसको उतना अधिक निज बुद्धि का प्रकाश मिलता है। अभी जो मैंने चौपाई बोली थी कि ये निर्णय करना अर्श का तिनमें भी हक जात, परम धाम की शोभा का वर्णन करना और उसमें भी हक जात। हक जात का तात्पर्य क्या है? श्यामा जी सखियां 25 पक्ष। ये निर्णय करना अर्श का तिनमें भी हक जात, नूर अकल इत क्या करे जित लदुन्नी गोते का। गोते खात का तात्पर्य क्या है? आप ऐसी गहरी नदी में प्रवेश कर गए जिसमें तेज धार हो और पानी कहाँ तक हो? आपकी गर्दन तक हो, नाक के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? आप तैरने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नदी की धारा आपको तैरने नहीं दे रही है, तो क्या कह रहे हैं? आप कहेंगे अरे भाई मैं डूब रहा हूँ, गोते खा रहा हूँ, मुझे कोई बचाए। अक्षरातीत को कहना पड़ रहा है, नूर अकल इत क्या करे जित लदुन्नी गोते खात। अक्षर की बुद्धि क्या वर्णन करेगी श्यामा जी की शोभा का, सखियों की शोभा का, 25 पक्षों का, जित लदुन्नी गोते खात। मैं लदुन्नी शब्द की व्याख्या के लिए कह रहा हूं, साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार। लदुन्नी क्या है? तारतम को अरबी में क्या कहेंगे? इल्म ए लदुन्नी। तारतम ज्ञान के रूप में कौन आए? अक्षरातीत का आवेश स्वरूप, अक्षरातीत के हृदय में परम धाम में जो कुछ उमड़ रहा है, आठों सागरों का ही स्वरूप तो दिख रहा है 25 पक्षों के रूप में। अक्षरातीत के हृदय में जो कुछ है, जैसे नूर का सागर क्या है? राज्य के मुखारविंद पर जो अनंत सौंदर्य है वह नूर का सागर है। सखियों की शोभा क्या है? नीर का सागर है। सखियों की शोभा में जो एकत्व है, एक दिली, सबकी शोभा एक जैसी है, ऐसा नहीं कि श्यामा जी और सखियों की शोभा में कोई अंतर है। जैसी शोभा श्यामा जी की है वैसी ही हर सखियों की शोभा है, और वैसी ही शोभा हर ब्रह्मा हर खुशखुशालियों की भी है। पशु पक्षियों का ऐसा मत समझिए कि दुनिया के पशु पक्षी हैं, सब में वहदत है। तीसरा सागर रूहों की शोभा का सागर, नूर नीर छिर। चौथा सागर है युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का सागर। पांचवा सागर है इश्क का सागर, छठा इल्म का, सातवां निस्बत का, आठवां मेहर का सागर। मेहर के सागर में सातों सागर समाहित है, और सच पूछा जाए तो हर सागर एक दूसरे में समाहित है, ओतप्रोत है। इससे वेद में कहा है ओतः च पुरतः च, ओतप्रोत है सब कुछ, किसी को कम या अधिक नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नूर के सागर में
सर्वरस नहीं है, नूर के सागर में इश्क नहीं है, नूर के सागर में निर नहीं है, सभी एक दूसरे में उत्प्रोत है। ऐसे अक्षरातीत के हृदय में जो कुछ है वो तो मैंने संक्षेप में कहा, वही अक्षरातीत जब आवेश स्वरूप में आते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, तुम्हें उतर आए अर्श से, इत तुम्हें कियो मिलाप, तुम्हें दई शुद्ध अर्श के, जो अर्श में हुआ। जैसा आप परम धाम में हैं नूरमयी स्वरूप से, आप महामती जी के धाम हृदय में आवेश स्वरूप से वैसे ही विराजमान हैं। देखिए श्याम जी के मंदिर में राज जी प्रकट होते हैं, देवचंद जी को दर्शन देते हैं, परम धाम की एक कंकरी यदि इस ब्रह्मांड में आ जाए तो ये ब्रह्मांड खाक हो जाएगा, लेकिन देवचंद जी इन नयनों से साक्षात देख रहे हैं, आवेश स्वरूप है, आवेश स्वरूप में इस संसार के अनुकूल ऐसा स्वरूप धारण किया है कि वैसा ही सुंदर दिख रहा है, लेकिन इतना सौंदर्य की सीमा ऐसी है कि हमारा कि देवचंद जी का जी उसको सहन कर जाए, अन्यथा अनंत सौंदर्य को सहन करने की सामर्थ्य इस जीव में नहीं है। राज्य के स्वरूप में इतना तेज है, इतनी शीतलता है, इतना प्रेम है, इतनी कांति है कि इस संसार का कोई भी जीव उस स्वरूप को देखकर सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन इन सुपन देह माफक हके दिया किल में दिल में प्रवेश, हके किया दिल में प्रवेश, हमारा जीव जितना सहन कर सकता है उसी के अनुसार राज जी देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान होते हैं, श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होते हैं, परम धाम की ब्रह्मवाणी अवतरित होती है और उस ब्रह्मवाणी से आज हम जान पा रहे हैं। अभी मैं उसी चौपाई की तरफ पुनः वापस आ रहा हूँ जिससे हमें पता चले कि तारतम वास्तव में है क्या। हम सुंदर साथ ने केवल एक मंत्र के रूप में मान लिया है। मैंने अभी कहा साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार, वासना होसी वलक सी, इन वचन के विस्तार। महामती जी के अंदर साक्षात राज्य का आवेश स्वरूप विराजमान है, इसलिए उसको तारतम का अवतार कहा गया है। तारतम का स्वरूप क्या है, महामती जी। अब तारतम का तात्पर्य केवल छह चौपाई से नहीं लिया जाएगा, अनंत इल्म जो क्रीड़ा कर रहा है राज्य के दिल में, वही इल्म प्रकट हुआ है महामती जी के धाम हृदय में। और इसलिए कह रहे हैं कि नूर अकलित क्या करे जित लदुन्नी गोते खाए। अक्षर की जागृत बुद्धि तो खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार का जो ज्ञान है जिसको तारतम का तारतम कहते हैं उसके लिए प्रतीक्षा कर रही थी। तभी कह रहे हैं धन्य जी ध्यान तुम्हारे रे बैठे बुद्ध जी बरसार। बुद्ध जी कौन, बुद्ध जी को अस्त्रा फिल विजय अभिनंद इमाम। जागृत बुद्धि को ही अस्त्रा फील कहते हैं। जागृत बुद्धि प्रतीक्षा कर रही है, अक्षर की आत्मा तरस रही है। अक्षर के दो चश्मे नहस्य नूर नजर, बीसा सौ वर्षो लो कायम होसी वैराट सचराचर। अक्षर के दोनों चश्मे, चश्मे क्या कहते हैं, दोनों फरिश्ते। नहस्य नूर नजर, नूर की नजर में नहाएंगे, तारतम वाणी के रस में ओतप्रोत हो जाएंगे। जबराइल अस्राफिल फिरवलिया अर्श अजीम के माँ, जबराइल जबरूद की हद छोड़ सक्या ना है। जो जिब्रेल फरिश्ता बसरी सूरत के समय में सस्वरूप से आगे नहीं जा सका था, लेकिन अस्राफिल फरिश्ते को महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होने के कारण, अक्षरातीत के चरण कमल पाने के कारण अस्राफिल फरिश्ते को परम धाम के 25 पक्षों का, नक से सिख तक की शोभा को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसी कारण जिब्रील को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि परम धाम के 25 पक्षों और नक से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को जानने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब आप सोचिए निज बुद्धि क्या है, अक्षरातीत के हृदय में जो इष्कमयी बुद्धि है, श्यामा जी के हृदय में जो इष्कमयी बुद्धि है, सखियों के हृदय में जो इष्कमयी बुद्धि है, उसको क्या कहेंगे, निज बुद्धि। अक्षर कि जागृत बुद्धि सत्य को जान सकती है, अक्षरातीत को जानना अलग है। हम सुंदर साथ स्वप्न की बुद्धि से चौपाइयों को पढ़ते हैं, इसलिए तो झगड़ते हैं। यदि हमारे पास जागृत बुद्धि हो जाए तो सबको हर चौपाई का अर्थ मालूम हो जाए, क़यामत नामा की भी टीका करने की जरूरत न पड़े, मारिफत सागर की भी टीका करने की जरूरत न पड़े। लेकिन ये जानने के बाद भी यदि राज्य की मेहर नहीं हुई तो शब्दों का ज्ञान तो आ जाएगा वास्तविक सत्य, लेकिन आप राज्य को रिझाने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए। राज ऐसा नहीं कि परम धाम में इश्क है तो किसी के पास बुद्धि ही नहीं, क्योंकि
एक चौपाई आती है, इलम चातुरी खूबी अंकी मोहे यही पट लिखे अंकुर, यही न देवे देखने मेरे दुल्हे का मुक्का नूर। तो यहाँ इलम चातुरी जब हम सोचते हैं तो चतुराई शब्द से हम क्या सोच लेते हैं, जैसे अभी चौपाई आती है, आशिक न लेवे दानाई पर ये दानाई हक। यहाँ दानाई का अर्थ होता है चतुराई। होय वर्णन चतुराई से आशिक धरे ताको नाम, एक अंग छोड़ जाए और लगे सो नहीं आशिक को काम। चतुराई का अर्थ क्या है? देखिए चतुराई कई तरह की होती है। एक तो है माया की चतुराई। आप देखते हैं वकील लोगों को, केस के निर्णय होने से पहले दोनों पक्षों के वकीलों को सब मालूम होता है, क्या सच्चाई है क्या झूठ है, और दोनों पक्षों के वकील आपस में बातचीत भी करते रहते हैं, लेकिन उनका पेशा होता है एक दूसरे की बात को काटना, और उसके लिए कोई भी कुतर्क गढ़ लेते हैं, कुछ भी बहाने कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं दानाई, चतुराई। लेकिन यह चतुराई प्रेम में नहीं चलेगी। ज्ञान की चतुराई अलग है। ज्ञान की चतुराई का अर्थ क्या है? जैसे बेहद वाणी में वर्णन आता है कि ना तो आए बुद्ध के सागर गुण खट ज्ञानी। बुद्धि के सागर कहलाने वाले बड़े बड़े संसार में महापुरुष आए हो गए हैं, गुण खट ज्ञानी, छह शास्त्रों की व्याख्या करने वाले। जैसे मैंने पहले भी कहा है, शेष एक ऋषि का नाम है, जहाँ बुद्धिमानों की गणना होती है हमारी संस्कृत में तीन का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, गणेश जी का, सरस्वती का और शेष का। इनको ज्ञान का मुख्य आधार माना जाता है कि सृष्टि में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान यही तीन हुए हैं। आपको मालूम ही है कि सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है, गणेश जी को देवताओं में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान वाला माना जाता है, और एक जो बुद्धिमान है शेष नाम के एक ऐसे ऋषि। अलंकारिक व्याख्या है कि शेष के सहस्त्र मुख हैं, ऐसा नहीं है, हजार मुख वाला कोई नाग नहीं होता, नाग की बात नहीं है। शेष शेष थोड़ा बच्चों को बंद चुप कराइए ना, शेष एक ऋषि का नाम है जो एक शब्द की हजार प्रकार से व्याख्या कर सकते थे। जैसे ये अलंकारिक वर्णन है कि रावण के 10 सिर थे, इसका आशय क्या है? एक मनुष्य जितनी विद्याएं ग्रहण करता है रावण उससे 10 गुनी अधिक बुद्धि रखता था, उसी तरह से शेष ऐसे प्रतिभाशाली ऋषि का नाम है जो किसी भी शब्द की हजार प्रकार से व्याख्या कर सकते थे। बेहद वाणी में ये प्रसंग आता है, ना तो आए बुद्ध के सागर गुण खट ज्ञानी, छह शास्त्रों को जानने वाले, उनकी रचना करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि इस सृष्टि में हो गए हैं जिनको बुद्धि का सागर कहा जाता था, लेकिन उनका भी ज्ञान कहाँ तक सीमित है? निराकार तक का। निराकार से परे की हकीकत नहीं जानते, वो बेहद की बात नहीं जानते। अब ये प्रसंग चल रहा है परम धाम का। पुराण संहिता में भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, मैं एक कल्प तो क्या करोड़ों कल्पों में परम धाम के एक पत्ते की भी शोभा का वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं रखता। अब सोचिए मानवीय बुद्धि कहाँ है, पौराणिक मान्यता को भी माने तो आज सारी दुनिया में, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ, सच्चा दृष्टांत। वैसे सागर की चर्चा में ये सब दृष्टांत देना अच्छा नहीं रहता, फिर भी कहना इसलिए पड़ रहा है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे मना पटल पर पूरी तरह से अंकित नहीं हो पाती। पौराणिक मान्यता यह है कि पाणिनि ऋषि घोर तप करने लगे, शंकर जी प्रकट होते हैं और 14 बार डमरू बजाकर व्याकरण के 14 सूत्रों का उपदेश देते हैं। वैदिक मान्यता में उनको आत्मज्ञान के माध्यम से 14 सूत्रों का ज्ञान प्राप्त होता है, और 14 सूत्रों पर ही पूरा व्याकरण रचा हुआ है। आप सोचिए अंग्रेजी का आप ग्रामर पढ़ते हैं तो आपको कितने पन्ने याद करने पड़ते हैं, संस्कृत में केवल 14 शब्द याद कर लीजिए, उसी के आधार पर सारा व्याकरण निर्मित है। आप हजारों लाखों शब्दों की रचना स्वयं कर सकते हैं, स्वयं उसका अर्थ निकाल सकते हैं। और वो शंकर जी क्या कह रहे हैं,
कि मैं एक तो कल्प नहीं, एक कल्प में कितने वर्ष होते हैं, 4,32,00,000, मैं करोड़ों कल्पों में भी परम धाम के एक पत्ते का भी वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं रखता। वर्णन कहाँ से हो सकता है, जब राज जी खुद करवाना चाहे। सुखदेव आप देखिए, अक्षर की वासना है, भागे जोश कही पंचाध्यायी, रहस्य वर्णन न हुआ तिनताई। जोश जिब्रिल नहीं रहता है तो सुखदेव जी भी बेहद का वर्णन नहीं कर पाते। राज जी का आवेश नहीं आएगा तो शंकर जी कह रहे हैं कि मैं अपनी बुद्धि से परम धाम के एक पत्ते का भी वर्णन करोड़ों कल्पों में नहीं कर पाऊंगा। तो आप सोचिए, हम सुंदर साथ इस घोर कलयुग में हैं, यदि हमारे अंदर राज्य का प्रेम नहीं रहेगा, राज्य का ईमान नहीं रहेगा, राज्य की विशेष मेहर नहीं रहेगी, तो हम सागर श्रृंगार के रहस्यों को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफक। आशिक के लिए मासूक की शोभा का वर्णन करना संभव नहीं होता। पूर्व की चौपाई में दिया गया है, होय वर्णन चतुराई से आशिक धरे ताको नाम, एक अंग छोड़ जाए और लगे सो नहीं आशिक को काम। आशिक की परिभाषा क्या होती है, जिसके रोम रोम में मासूक बसा होता है। आशिक जब मासूक की शोभा को देखेगा, चाहे राज्य हो, चाहे सखियां हो, चाहे श्यामा जी हो। अब इस संसार में राज्य को ही वर्णन करना पड़ रहा है। मैंने पहले आप कह दिया कि राज्य की शोभा श्रृंगार का कौन वर्णन करेगा, स्वयं राज्य कहलाया हृदय बैठ साक्षात। आप सोचिए, श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन अस्राफिल कहां से कर सकता है, क्या अस्राफिल ने श्यामा जी को कभी देखा है। अस्राफिल तो महामती जी के धाम हृदय में राज्य के चरण कमल पड़े हैं, तो मेरे हृदय चरण धनी के इन्हें ए फल पाया इत। अब जागृत बुद्धि की महिमा क्या है, वाणी कहती है जो नहीं विष्णु महाविष्णु को बुद्ध जी पहुंचे तीन। विष्णु को, नारायण को, आदि नारायण को भी जो ज्ञान नहीं, वो जागृत बुद्धि को मिला किसके बल पर, राज्य के चरणों की कृपा से। जागृत बुद्धि किस पर आश्रित है, राज्य के चरणों की कृपा पर आश्रित है। इसलिए राज्य के श्रृंगार का वर्णन जागृत बुद्धि करने की सामर्थ्य नहीं रखती। वहां राज्य कह रहे हैं नूर अकलित क्या करे चित लदुन्नी गोते खात। मैं परम धाम की जिस बुद्धि से मैं सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन जब मैं आशिक के रूप में हूं तो अपने ही मासूकों की शोभा का वर्णन कैसे कर सकता हूं। मेरे रोम रोम में श्यामा जी बसी हैं, मेरे रोम रोम में सखियां बसी हैं, संपूर्ण परम धाम मेरे ही हृदय से प्रकट हुआ है, तो मैं चाहकर भी उसकी शोभा का जब मैं वर्णन करता हूं तो मेरी जीवा लड़खड़ाने लगती है। जीवा लड़खड़ाने का तात्पर्य क्या है, ऐसा नहीं कि अक्षरातीत में किसी चीज की कमी है, अक्षरातीत हर तरह से पूर्ण है, लेकिन इस संसार में कोई ऐसा दृष्टांत नहीं जिससे बता सके कि श्यामा जी के चरण कमलों की शोभा ऐसी है। वे खुद अपनी भी शोभा का वर्णन कैसे करके किससे उपमा दें, और वो फूलों की कोमलता से उपमा दें तो भी उचित नहीं है, और वो चंद्रमा की शीतलता का वर्णन करें, करोड़ों सूर्यों की तेज से भी तुलना करें तो सब फीके हैं, क्योंकि ये पंचभूतात्मक पदार्थ है। पांच तत्वों के ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिससे राज्य के, श्यामा जी के, सखियों के श्रृंगार की उपमा दी जा सके और बताया जा सके कि ऐसा है। जैसे मुख मेरे महबूब का रंग उज्ज्वल गुलाल, कह दिया कि राज्य का मुखारविंद क्या है, बहुत लालिमा से भरपूर है। गौर रंग अति गालों के माहे गहरी लालक लिए, कहने को तो कह दिया कि गौर रंग अति गालों के माहे गहरी लालक लिए, गहरी लालिमा से भरपूर मुखारविंद है, तो उसकी उपमा किससे दी जाए। आप पृथ्वी लोक में कोई नहीं है, आपने देखा होगा यूरोप के लोग सुंदर होते हैं, लेकिन वो तो कुछ नहीं है। पृथ्वी वालों का कोई सौंदर्य लक्ष्मी जी के, नारायण के सौंदर्य के बराबर नहीं है, और करोड़ों लक्ष्मी का सौंदर्य, करोड़ों नारायण के सौंदर्य राज्य श्यामा जी के एक नख के बराबर भी नहीं है, करोड़ों नहीं अरबों खरबों अनंत। तो आप सोचिए, इस माया की दुनिया में रहकर ये बताना कि राज्य के हथेली इतनी सुंदर है,
हृदय कमल इतना सुंदर है, चरण कमल इतना सुंदर है, ये तो जैसे अनंत सागर की एक बूंद को बता दिया जाता है कि बस ऐसा है, तो हम ध्यान लगा सकें, चितवनी में डूब सकें, इसलिए ये बातें कही जा रही है। और जब सागर श्रृंगार में हम प्रवेश करते हैं तो एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, जैसे कि मैंने तीन तरह की चतुराई का वर्णन किया, एक तो संसार की चतुराई का वर्णन किया कि सत्य को जानते हुए भी उसको मिथ्या का प्रयास करने का प्रयास किया जाता है, प्रायः वकील लोग करते हैं, जो शास्त्रार्थ के महारथी कहे जाते हैं, न्याय दर्शन के विद्वान। जानते हैं न्याय दर्शन में क्या विशेषता है? इसकी मान्यता है कि न्याय दर्शन से सभी का न्याय होगा, और आप किसी न्याय दर्शन के विद्वान से उलझ गए तो आपकी हर बात को काटेगा, उसके पास इतने तर्क का भंडार रहता है। वो जानता है कि आप सही पर हैं, लेकिन उसके पास समर्थ हो सकती है कि कुछ समय के लिए तो आपको मिथ्या सिद्ध कर ही देगा और आपको मौन धारण करना पड़ेगा। इसको कहते हैं चतुराई। लेकिन जहां बेहद का वर्णन हो रहा है, वाणी क्या कहती है, बेहद को शब्द न पहुंचे तो क्यों पहुंचे रास, लुका न पहुंचे रास लो इन पार के भी पार। तो बेहद को शब्द न पहुंचे तो क्यों पहुंचे दरबार, लुगा न पहुंचा रास लो इन पार के भी पार। इस दुनिया का एक शब्द भी रास का वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं रखता, तो परमधाम की शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है इस दुनिया के शब्दों से? लेकिन नहीं कहा जाए तो परमधाम की आत्माएं जागृत कैसे होंगी? इसलिए मैंने अभी कहा कि सुंदर साथ को जागृत बुद्धि और निज बुद्धि का यह भेद समझना पड़ेगा। जिब्रील के द्वारा इस संसार में अखंड का ज्ञान प्रकट होता रहा, जेते पैगंबर भय पाई जिब्राइल से बुजुर्ग की। चाहे रास का वर्णन हुआ हो, चाहे कबीर जी ने अपने शब्द कहे हों, चाहे शंकर जी ने परमधाम का वर्णन करने का प्रयास किया हो, लेकिन प्रयास तो परमधाम का करते हैं लेकिन वर्णन कर देते हैं केवल ब्रह्म की भूमिका का। इस क्रमबद्ध कुछ बातें ही परमधाम की है, नहीं तो पुराण संहिता महेश्वर तंत्र में जो कुछ वर्णन है प्राय केवल ब्रह्म का ही है। परमधाम का वर्णन बिना राज्य के आवेश के हो ही नहीं सकता, और वह वर्णन केवल महामति जी के तन से हुआ है। शंकर जी के माध्यम से तो महेश्वर तंत्र में केवल प्रमाण के लिए दिखा दिया गया। मोहम्मद साहब को मेराज होता है लेकिन उन पर प्रतिबंध लग जाता है कि जब क़यामत के समय में स्वयं मैं आऊँगा तो उस सारे भेदों को मैं खोलूँगा। इसलिए मोहम्मद साहब ने केवल संकेतों में हौज कोसर का वर्णन किया, यमुना जी का वर्णन किया, परमधाम का थोड़ा सा वर्णन किया दूज के चंद्रमा के समान। अब तो दोपहर के सूरज के रूप में प्राणनाथ जी का स्वरूप आता है और नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन करता है। तो जिब्रील क्या है, शक्ति का स्वरूप है, असराफील है ज्ञान का स्वरूप, लेकिन असराफील परमधाम की शोभा का वर्णन करने का की सामर्थ्य नहीं रखता। हाँ, जब वाणी का अवतरण होता है तो उसमें सबकी सहभागिता है। मिराज का जीव है, इंद्रावती का हृदय है, राज्य आवेश रूप से बैठे हैं, श्यामा जी की आत्मा विराजमान है, अक्षर की आत्मा विराजमान है, जिब्रील है, असराफील है, जो राज्य का आवेश स्वरूप कह रहा है, व्यक्त कर रहा है, उस ज्ञान की धारा को पहले असराफील ग्रहण करता है, असराफील से जिब्रील उस मिराज के तन से व्यक्त करता है। आपने अभी तक में प्रसंग सुना होगा, अनूप सर जब श्री जी जाते हैं तो परिणाम क्या होता है, वहाँ सनत की वाणी का अवतरण होता है। जब झगड़ा लगता है लालदास जी से गोवर्धन भाई के बीच में, श्री जी को क्रोध चढ़ता है तो ऐसा लगता है कि श्री जी के मुखारविंद पर बिजली चमक रही हो। जब रायले जोरा किया उतरे कलाम कादर से, वहाँ जिब्राइल का प्रसंग है, राज्य का आवेश का वर्णन नहीं हो रहा है। अब राज्य के आवेश से जो वाणी अवतरित हो रही है वो तो राज से क्यामत तमा तक की वाणी है, लेकिन जब प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, वाणी अवतरित हो रही है, तो वहाँ नाम लिया जाएगा जिब्रील का, क्योंकि वहाँ शक्ति का प्रसंग है, रहस्य खोलने वाला जो प्रसंग आएगा। जैसे मारिफत सागर में, क्यामत नामा में, सनंद में प्रसंग आता है कि असराफेल
कुरान के गुह्य रहस्यों को खोल रहा है, लेकिन असली में खोलने वाला कौन है? देखिए, जब मोहम्मद को मेराज होता है, राज्य और अक्षर की आत्मा अर्थात मोहम्मद के बीच में वार्ता होती है, तो साथ में असराफिल तो नहीं जग गया, तो असराफिल कुरान के भेदों को कैसे खोल लेगा? जब तक राज्य नहीं बताएंगे, असराफिल को भी अधिकार नहीं है ये बता देने का कि यमुना जी कैसी हैं, पक्षीस पक्ष कैसे हैं, श्यामा जी का श्रृंगार क्या है, ये असराफिल कहाँ से बता देगा? प्रकट करने वाले कौन है? राज्य। ये रसना श्यामा जी की, पिलावत रस रब का, वाणी को श्यामा जी की रसना क्यों कहा गया है? रसना किसको कहते हैं? जीवा को। यदि मेरी जीवा न हो तो मैं बोल नहीं सकता। आशय क्या है? जब श्यामा जी की आत्मा 1735 में जागृत होती है, इसके बाद ही खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार का ज्ञान अवतरित होता है। इसलिए नक्श से सिख तक राज्य की और श्यामा जी का शोभा का वर्णन कौन करेगा? स्वयं राज्य करेंगे। लेकिन शोभा किसको दी जा रही है? महामती जी का। सातों स्वरूप मैं वर्णन किए, सातों स्वरूप अखंड मैं वर्णन किए सिर ले, दो राज पांच अर सजीम पर बोझ न दिया सिर स्वरूपों की। किसकी मय से वर्णन किया? हकीकी मय लेकर। हकीकी मय का तात्पर्य क्या है? महामती जी ने प्रेम में डुबकी लगाकर राज्य के दिल में प्रवेश किया, हकीकी मय को लिया। यदि आप अपनी मैं लेकर वर्णन करेंगे कि मेरे पास इतनी बुद्धि है, इतनी शक्ति है, मैं राज्य की शोभा का वर्णन कर लूं, तो संभव नहीं है। हकीकी मैं कब आएगी? जब आप अपने को हक जात के रूप में प्रस्तुत करें। हक जात का तात्पर्य क्या है? परात्म के श्रृंगार में डूबकर राज्य के हृदय में जो डुबकी लगा सकता है, वही हकीकी मैं ले सकता है। इसलिए वाणी कहती है खिलवत की, मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मरना मैं। हक की मैं आ गई तो बाकी कुछ नहीं रहा। यही मैं हक की, यही मैं हक करे वर्णन। हक की मैं आ गई तो आप में और राज्य में कोई अंतर नहीं रहा। हमसे भूल क्या होती है? हमारे और धनी के बीच में एक बहुत बड़ा पर्दा है। वो पर्दा क्या है? पहला पर्दा है शरीर का, दूसरा पर्दा है जीव का, तीसरा पर्दा है ब्रह्मांड का। इन सबसे परे हट जब हम हटेंगे, तब तो हमारे अंदर भाव आएगा कि हम आत्मा हैं। और आत्मा क्या है? परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है। परात्म की मैं लेकर के मैं परात्म स्वरूपा हूं। जब आप इश्क के रस में डूबेंगे नहीं, राज्य के दिल में डुबकी लगाकर स्वयं को भुला नहीं देंगे, तब तक राज्य आपके हृदय से कैसे बोलेंगे? और इसलिए महामती जी की आत्मा कह रही है, सातों स्वरूप अखंड मैं वर्णन किए सिर ले, मैंने हक की मैं लेकर, दो रास पांच अर सजीम पर बोझ न दिया सिर स्वरूपों के। बोझ न देने का तात्पर्य क्या है? कला तो रहे युगल स्वरूप ही, लेकिन मुझे शोभा दी जा रही है, तो संसार यही समझ रहा है कि महामती जी कह रहे हैं। उसी तरह से ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का तात्पर्य क्या है? श्यामा जी को कौन दे रहा है? राज्य, क्योंकि श्यामा जी की आत्मा पर भी तो फरामोशी है। श्यामा जी अपना श्रृंगार कैसे वर्णन कर सकती हैं? श्यामा जी की आत्मा में 25 पक्षों का श्रृंगार, 25 पक्षों की शोभा, युगल स्वरूप की शोभा का ज्ञान कौन दे रहा है? राज्य का आवेश। श्यामा जी उस ज्ञान को किसको दे रही हैं? असराफिल को। असराफिल किसको दे रहा है? जिब्राइल को। और व्यक्त हो रहा है मिहराज के तन से, तो सुंदर साथ क्या समझता है? देखो अब वाणी उतर रही है, श्री जी बोल रहे हैं। श्री जी का तात्पर्य क्या है? अक्षरातीत का। श्री जी तो अंदर बैठे हैं, लेकिन सुंदर साथ मिराज के तन को श्री जी इसलिए कह रहा है कि उस तन में विराजमान है, उस तन को भी ये शोभा मिल रही है। अब इसलिए सागर और श्रृंगार में गोते लगाते समय इस संसार की मैं से हमें पूरी तरह से अलग होना होगा, और तभी ये बात समझ में आएगी कि हक की दानाई क्या है, आसिक की चतुराई क्या होती है। जैसे आसिक मेरा नाम, आसिक मेरा नाम, रू अल्लाह आसिक मेरा नाम, ये आपने चौपाई बार बार सुनी है। सुंदर साथ इसको बहुत अच्छी तरह से गाते हैं। इसके कहने का तात्पर्य क्या है? राज जी कह रहे हैं कि परम धाम की आत्माओं, मेरा नाम आसिक है, मैं आसिक हूं। श्यामा जी कह रहे हैं कि मैं आसिक हूं। सखियां कह रही हैं कि मैं हम आसिक हैं। सभी अपने को आसिक कह रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है?
सभी के दिल में एक दूसरे समाए हुए हैं। राज्य के रोम रोम में सखियाँ और श्यामा जी समाई हैं, श्यामा जी के रोम रोम में राज्य और सखियाँ समाई हैं, और सखियों के रोम रोम में राज्य और श्यामा जी समाए हैं। इससे सभी कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के आशिक हैं। ये श्रृंगार, ये सागर ग्रंथ का यह प्रकरण इसी तथ्य पर प्रकाश डालता है। महामती जी की आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होकर राज्य क्या कह रहे हैं, यह चतुराई किसकी है, राज्य की दी हुई, मेरी अपनी माया की चतुराई नहीं है। अब वर्णन कैसे करना है, जैसे मान लीजिए राज्य अपने मुखारविंद की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, आपके अपने मुख से कहेंगे कि देखो मेरा मुख इतना सुंदर है, किसी न किसी के माध्यम से करवाया जाएगा। शोभा किसको दी जा रही है, महामत क्या है, महामती जी कह रहे हैं शोभा दी जा रही है कि इंद्रावती जी की आत्मा वर्णन कर रही है। मैंने अभी पहले कहा इंद्रावती जी की आत्मा भी फरामोशी में है, परात्म फरामोशी में है, आत्मा नहीं। यहाँ आत्मा जब जागृत होगी, हक की मैं लेगी, राज्य के प्रेम में डूबेगी, तभी ये उस तन से ये शोभा मिल सकती है। महामती जी की आत्मा तो जागृत है, परात्म जागृत नहीं है। पौड़े भेले जागसी वेले, खेल देखिया सबो एक, सबकी परात्म पर फरामोशी है। चाहे अक्षर की आत्मा हो, महालक्ष्मी हो, श्यामा जी हो, 12,000 सखियाँ हैं, 24,000 ईश्वरी सृष्टि, सब पर फरामोशी है। 24,000 की तो अभी परात्म भी नहीं है, लेकिन परम धाम में जो कुछ है फरामोशी में है सिवाय राज्य के। एक राज्य ही जागृत है, इसलिए राज्य ही मूल है, राज्य ही श्यामा जी का श्रृंगार, सखियों का श्रृंगार और अपना श्रृंगार वर्णन करेंगे, इंद्रावती जी के मुख से कहलवाएंगे और उसको प्रस्तुत करने में अस्राफिल की भूमिका है, जिब्रील की भूमिका है, और इन तक राज के हृदय के रस को पहुंचाने की भूमिका कौन करती है, श्यामा जी की आत्मा। इसलिए श्यामा जी को रसना कहा गया है, जो राज्य के हृदय के रस को, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरा हृदय में जो कुछ है वो किससे व्यक्त हो रहा है, राज्य की कृपा से टूटा फूटा जो भी मेरे पास ज्ञान है, मेरी जीवा ही तो बोल रही है। यदि मेरी जीवा ना हो तो क्या होगा, तुतलाकर बोलना पड़ेगा, स्पष्ट आवाज़ निकल नहीं पाएगी। रसना क्या है, जीवा, इसको वाक इंद्री भी कहते हैं, इसके बिना बोला नहीं जा सकता। जिसकी जीवा नहीं उससे वाणी का प्रकटीकरण नहीं हो पाएगा। तो ये जो परमधाम का ज्ञान उतर रहा है, सागर श्रृंगार का ज्ञान उतर रहा है, किसके माध्यम से उतर रहा है, श्यामा जी के माध्यम से। संसार को ये पता नहीं, संसार क्या सोच रहा है, कोई सोच रहा है कि मिहराज के माध्यम से हो रहा है, कोई सोच रहा है जिब्राइल और इस्राफील के माध्यम से हो रहा है, लेकिन ये अंतर में केवल राज्य हैं। और इसलिए वाणी कह रही है ये दानाई हक, ये चतुराई भी मेरे पास कौन दे रहा है, स्वयं श्री राज्य दे रहे हैं। वही बता रहे हैं कि कैसे नख से सिख तक राज्य की शोभा का वर्णन किस तरह से हो पाएगा, अन्यथा एक असिक से कहिए। अब जैसे सागर श्रृंगार में राज्य के नेत्रों का वर्णन आता है, महामती जी की आत्मा कहती है कि मैं कितने कठोर हृदय को बनाकर राज्य के नेत्रों की शोभा का वर्णन करूं। तभी तो पहले ही प्रसंग आ चुका है, इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मैं इस संसार में राज्य के श्रृंगार का वर्णन कैसे करूं, न कहवाड़ी माया माए आवाणी पर साथ मैठे कहवाड़ी। सुंदर साथ के लिए असंभव को संभव में परिवर्तित करना पड़ रहा है, और यदि ऐसा नहीं किया जाए तो क्या होगा, पिछला साथ आवेगा क्यों कर, प्रकाश वचन हृदय में धर, चरने हैं सुतवाए सही पर पिछले कारण ये वाणी कही। अब सोचिए आज से 350 वर्ष पूर्व महावती जी के तन से लीला पूर्ण हो चुकी है, विक्रम संवत 1751 में अंतर्धान लीला होती है, आज ये वाणी नहीं होती तो आपको कौन बताता कि नख से सिख तक राजी श्यामा जी का श्रृंगार क्या है। हम सुंदर साथ तो परम धाम के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते थे। उस समय जो भी ब्रह्मुनि रहे उन्होंने अपने नैनों से देखा श्री जी की कृपा से। आज
भले ही हम जीव सृष्टि हों, ईश्वरीय सृष्टि हों, ब्रह्म सृष्टि हों, कुछ भी हों, लेकिन इस वाणी के कारण ही हम राज्य के नख से सिख तक की शोभा को जानने में समर्थ हैं, परमधाम के 25 पक्षियों की शोभा को जानने में समर्थ हैं। ये सत्य है कि जैसे गंगोत्री के किनारे जाकर एक गिलास कोई जल पिला देता है तो पीने वाला क्या सोचता है, हमने गंगा जी का जल पी लिया, फिर क्या अनुभूत करता है, मैंने गंगा को पी लिया, यही तो समझता है। हमने अनंत सौंदर्य के अनंत सागर की एक बूंद का रसपान किया है, लेकिन वो भी हमारे लिए अनंत है, हमारे जीव के लिए तो वो अनंत ही रहेगा। और इसीलिए एक असंभव को जो संभव करके दिखा दे तो उसको क्या कहेंगे, दानाई हक। इसको एक दृष्टांत से मैं आपको समझाता हूँ। प्राचीन काल में अपने राजनीतिक विरोधियों को मारने के लिए विषकन्या का प्रयोग किया जाता था। विषकन्या जानते क्या होती है, जब बच्ची छोटी होती है तो थोड़ा थोड़ा उसको विष खिलाया जाता है, पहले अफीम चटाया जाएगा, धीरे धीरे उसको सर्प सर्प से कटवाया जाता है, उसके शरीर में इतना विष हो गया होता है कि कोबरा भी उसको काटता है तो उस पर कोई असर नहीं होता है। एक सामान्य कोबरा किसी को भी काट ले तो कैसा भी व्यक्ति हो उसके बचने की संभावना प्रायः नहीं रहती, कोई इलाज नहीं होता। वाइपर भी काट ले तो बचने की संभावना नहीं होती, लेकिन विषकन्या को वाइपर कितना भी काटे कोई असर नहीं होता, क्योंकि उससे अधिक विष उसके अंदर है। तो ये कैसे उसके शरीर में विष घुसाया गया, चतुराई से थोड़ा थोड़ा, हुक्म जो प्याला देव ही सो सच में पिलाए, नहीं तो क्या होगा, जैसे कच्चा घड़ा फूट जाता है। हमें अचानक ही बता दिया जाए कि राज्य इतने सुंदर हैं तो क्या होगा, सबकी हालत भाव सिंह जैसी हो सकती है, क्योंकि जिस हृदय ने कभी सौंदर्य की राशि को देखा नहीं, जिस हृदय ने नारायण की सौंदर्य को नहीं देखा, वो रास बिहारी का सौंदर्य कहाँ से झेल सकता है। जिसने रास बिहारी का सौंदर्य नहीं देखा वो युगल स्वरूप का नख से सिख तक सौंदर्य क्या देखेगा। उसी अवस्था में जैसे एक कंगाल को अचानक कह दिया जाए तो कि तुम भारत के राष्ट्रपति बना दिए गए हो तो वो तो खुशी से पागल होकर मर जाएगा। हम सुंदर साथ कैसे युगल स्वरूप की शोभा को समझ सकें ताकि कुछ ध्यान में ला सकें एक आधार बनाने के लिए, तो ये कहा गया कि ये इसके लिए चतुराई चाहिए। और ये दानाई क्या है, हक, ये राज्य की देवी चतुराई है जिसके द्वारा महामती जी की आत्मा कह रही है कि मैं कुछ शोभा का वर्णन कर पा रही हूँ। जैसे आप श्रृंगार में देखिए राज्य के मुखारविंद का जहाँ वर्णन है वहाँ ऊपर के होठ नीचे के होठ, ये ठुड्डी और ये नासिका के नीचे का भाग, उसमें कमल के पंखुड़ियों की कल्पना करके किस तरह से वर्णन किया गया है। जो राज्य के उस होठों के सौंदर्य को देखेगा क्या उसकी बुद्धि काम करेगी कि मैं वर्णन करूं, लेकिन आवेश वर्णन करवा रहा है। परमधाम की आत्माओं को मारिफत में डुबोने के लिए राज्य का आवेश एक चतुराई का प्रयोग कर रहा है कि किस तरह से आधार लेकर के मारिफत में उनको डुबोया जा सके। जैसे मैं आपको भर्तृहरि का एक कथन सुनाता हूँ। भर्तृहरि ने क्या कहा है, हाथियों के मस्तक को काटना बहुत सरल है, संसार में बड़े बड़े वीर हुए हैं जो हाथियों के मस्तक को काट सकते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े वीर रमणी के नेत्रों से घायल हो जाते हैं, उसके सौंदर्य के वाणों से अपनी रक्षा नहीं कर पाते। मेरे कहने का से आप समझिए, जो इतना बड़ा कठोर हृदय वाला होगा जो हाथी के मस्तक को तलवार के वार से काट सकता है, वह भी किसी रमणी के नेत्रों के वाणों से इतना बीत जाता है कि असहाय हो जाता है। उस माया के सौंदर्य का, एक मिट्टी के पुतले का सौंदर्य जिसके अंदर मल मूत्र भरा है, उस सौंदर्य के बाणों से अपनी रक्षा नहीं कर पाता, तो अनंत सौंदर्य की राशि को कैसे वर्णन किया जाए। फिर भी कह दिया गया है मैं हक देखूं मुझे ये दो अरस परस भैया, होठों का वर्णन हो रहा है, नेत्रों की पुतलियों का वर्णन हो रहा है, पुतली के अंदर छिपे तारों का वर्णन हो रहा है, पलकों का वर्णन हो रहा है, कैसे नासिका है, नासिका में किस रंग का आभूषण है, लाल मोती का आभूषण कैसे चमक रहा है, दांत कैसे दिख रहे हैं, ये ऊपर के होठ और नीचे के होठ से किस तरह से कमलों की रचना हो रही है, ठुड्डी की रचना हो रही है, इतना गौर से कौन वर्णन कर पाएगा।
क्योंकि राज्य करवा रहे हैं और ये हमें चतुराई दे रहे हैं। इस का नशा क्या होता है? साकी पिलावे शराब, रूहें प्याले लीजिए, हक इश्क का भर भर प्याले पीजिए। साकी पिलावे शराब, मुझे नहीं लगता सुंदर सा शराब पीता हो, लेकिन तारतम लेने से पहले किसी ने पिया हो तो उसको थोड़ा बहुत अनुभव हो सकता है कि वो नाली में गिरा रहेगा, सोचेगा कि मैं रेशमी गद्दे पर सो रहा हूँ। उसको बाहर निकालिए तो कहेगा कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, उसको उसी में अच्छा लगता है। आप सोचिए, लेकिन इस शराब का नशा कुछ घंटों का होता है। राज्य के प्रेम का नशा ऐसा है, नाम खुमारी नानका चढ़े रहे दिन रहे। राज्य के प्रेम का नशा ऐसा होता है कि लोग अपने चक्रवर्ती साम्राज्य को ठोकर मार देते हैं। मैंने अभी भर्तृहरि का नाम लिया, वैराग्य चढ़ता है, एक पल में अपने राजसी वस्त्र उतार देते हैं। जिस अपनी महारानी के पिंगला के विरह में 7 जन्मों से संन्यास लेते थे, लेकिन अपनी महारानी के मोह में 7 जन्मों से संन्यास छोड़कर फिर गृहस्थी बन जाते थे, और उनको मोह से वंचित करना था। जब वैराग्य चढ़ता है तो पिंगला की तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं, अपने महल की तरफ देखते भी नहीं, भिक्षा पात्र लेकर के गुफा में निकल जाते। नहीं तो मनुष्य क्या है, जब मोह के धरातल में होता है तो एक एक रुपया जोड़ता जाता है, अपना घर द्वार बनाता है, सब कुछ बनाता है। मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। सब संग्रह तो इसीलिए करते हैं ना कि मेरा घर है, मेरी संपदा है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन कोई किसी का नहीं है। आपके साथ आपका राज्य का प्रेम ही आपका है। यदि सबको समझ में आ जाए कि जिसको हम अपना समझते हैं वो हमारे नहीं है, हमारे कौन है? केवल राज्य। और हम किसके हैं? केवल राज्य के हैं। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो संसार की नश्वरता समझ में आ जाती है। लेकिन कैसी विडंबना है, हम बार बार पढ़ते हैं लेकिन ये बात हमारे हृदय में नहीं बैठती कि हम केवल राज्य के होने चाहिए और राज्य केवल हमारे होने चाहिए। तो ये वैराग्य है। जब तक मोह का आवरण पड़ा रहता है ये संसार अपना लगता है, लेकिन राज्य की कृपा की छाओं के तले कोई भी ब्रह्मुनि राज्य की उस अलौकिक शोभा को देखता है, अपने हृदय मंदिर में बसाता है। राज्य उस अनंत सौंदर्य के सागर से एक बूंद उसके हृदय में रख देते हैं कि मेरी यह ब्रह्मात्मा इस सौंदर्य की राशि में डूबकर संसार को भूल जाए। इश्क आपे पीवहीं और पिलावे बेशक। परम धाम की ब्रह्मात्मा क्या करती है? इश्क का रसपान करती है। इश्क कहाँ से आएगा? सौंदर्य से। जैसे स्वाभाविक है, मैं माया के सौंदर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, आकर्षण तो माया के सौंदर्य में भी होता है, लेकिन वो विकृत है, वो सौंदर्य नष्ट होने वाला है। जो किशोरावस्था में युवावस्था में जो शरीर सुंदर दिखता है, बुढ़ापे में वो कुरूप हो जाता है। जो घुंघराले बाल युवावस्था में सुंदर दिखते थे, वृद्धावस्था में वही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जो मुखारबिंद पहले सुंदर दिखता था, बुढ़ापे में हड्डियों का ढांचा हो जाता है। और देखिए, लेकिन किशोरावस्था में एक समय आता है जब शरीर सुंदर दिखता है। जो विवेकवान होता है उस सौंदर्य के अंदर छिपे हुए जो मल का आवरण होता है उसके ऊपर भी नज़र रखती है। लेकिन यह ध्यान रहे कि इसी अस्थिपिंड के शरीर में जीव भी है, चैतन्य जीव। यदि परमधाम की आत्मा ने उस पर वास किया है तो परात्म का श्रृंगार लेकर आत्मा भी उसी शरीर के अंदर रह रही है। और यदि इससे परे होकर उस ब्रह्मात्मा ने अपने को तपाया, अपने को विष्णु निवृत्त किया, प्रेम में अपने हृदय को डुबो दिया, तो परम धाम का श्रृंगार लेकर स्वयं राज्य उस दिल में विराजमान हो जाते हैं। ब्रह्मात्मा का दिल ही तो धनी का अर्श होता है, और उसके दिल में ही पूरा परम धाम बसता है। पूरे परम धाम का बसने का तात्पर्य उस परम धाम में जो कुछ है, 25 पक्षों की शोभा है, राज्य श्यामा जी हैं, सभी सुंदर साथ मूल मिलावे में बैठे हुए कहाँ दिखते हैं? हमारी आत्मा के धाम हृदय में। और माध्यम कौन बनता है? ये शरीर बनता है। इसलिए परम धाम की ब्रह्मात्माओं के लिए राज्य ने ये सागर ग्रंथ की वाणी दी है। यह सागर ग्रंथ
जो हमें प्रेरित करता है कि हम संसार से परे हटें। परिक्रमा ग्रंथ हमें क्या सिखाता है कि जिस संसार में हम भूले हुए हैं उस संसार से अलौकिक हमारा परम धाम है जहाँ हौज कोसर है। एक हीरे के नग में पूरा हौज कोसर, एक माणिक के नग में पूरा माणिक पहाड़, एक पुखराज के नग में पूरा पुखराज, और एक एक रंग में अनंत रंग बसते हैं। आप सोचिए पूरा रंग महल माणिक पहाड़ के एक थंबे में समा जाएगा और पूरा माणिक पहाड़ बड़ी रंग की हवेलियों के एक थंबे में समा जाएगा। जितनी अनंत की कल्पना कर सकते हैं इस काल माया के आकाश जैसे अनंत आकाश उस परम धाम में समा सकते हैं। और सारा परम धाम किस में समाया है? राज्य के दिल में, हमारे दिल में। लेकिन जब तक हमारी दृष्टि इस शरीर पर है तब तक हम एक असहाय प्राणी के रूप में हैं, हमको रोग सताते हैं, मृत्यु से हम भी डरते हैं। और जब तक हमारी दृष्टि परम धाम की तरफ नहीं जुड़ती हम एक सामान्य प्राणी की तरह काम क्रोध मद लोभ अहंकार के शिकार रहते हैं। संसार हम पर पत्थर फेंकता है, हम अपनी गरीबी से परेशान रहते हैं, बुढ़ापे से परेशान रहते हैं, रोगों से परेशान रहते हैं, दूसरों के आगे अपने दुख का रोना रोते रहते हैं कि आज ये परेशानी है, आज ये परेशानी है। क्यों? क्योंकि हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं है। हमने मिट्टी के अपने रूप को अपना स्वरूप माना है। हम बूढ़े होते जाते हैं तो क्या कहते जाते हैं? अब तो हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है, आप बूढ़े नहीं हो रहे। आपको एक छोटी सी बीड़ी परेशान कर देती है, तम्बाकू जो अपनी हथेलियों में मसल करके आप खाते हैं, एक छोटी सी तम्बाकू की पुड़िया आपको परेशान कर देती है। किसको? आपके जीव को, आपकी इंद्रियों को, आपके अंतःकरण को। दाग किस पर लगता है? परमधाम की परमात्मा पर। लेकिन आपने इन सबसे नाता तोड़कर अपना समझ मूल स्वरूप से जोड़ लिया तो स्थिति क्या होगी? मोमिन बल धनी का दूनी तरफ से ना तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप है धाम के मान। मोमिन बल धनी का दूनी तरफ से ना, यदि हम संसार से अपना संबंध तोड़ लें तो हमारी शक्ति किसकी हो जाएगी? राज्य की। एक गंदा नाला है, वो बहते बहते गंगा जल में मिल जाता है। गंगा जल में मिलने के बाद उसको कोई नाला नहीं कहता, सब कहते हैं कि गंगा जी का पानी है। जिस गंगा की दुनिया आरती उतारती है, फूल चढ़ाती है, प्रणाम भी करती है, गंदा नाला किस में मिल गया? गंगा जी में। और गंगा का जल एक दिन गंगा सागर में गिर जाता है तो दुनिया क्या कहती है? यह वही सागर है जिसका जल भाप बन करके बरसता है तो सारे संसार में जल का प्रवाह होता है। गंगा जी में जल भी उसी सागर से आता है। जब तक आप शरीर भाव में हैं, जीव भाव में हैं, तब तक आपके जीवन की दशा उस गंदे नाले की तरह है जिसमें काम क्रोध मद लोभ अहंकार की गंदगी बहती रहती है। जब आप शरीर भाव से परे हो गए, जीव भाव को आपने कुछ छोड़ा, आत्म भाव में आ रहे हैं, ईमान पर खड़े हो गए, विरह में आपका हृदय तड़पने लगा तो आप क्या हो गए? गंगा जी में मिल गए। आपकी अब सुरता संसार में रहना नहीं चाहती, वो केवल परम धाम को देखना चाहती है, युगल स्वरूप को देखना चाहती है। अब आप गंदे नाले नहीं रहे, काम क्रोध मद लोभ अहंकार से आपका कोई नाता नहीं रहा क्योंकि आपने अपना संबंध ईमान से किसके साथ जोड़ा, विरह से किसके साथ जोड़ा? राज्य के साथ जोड़ा। स्थिति और आगे बढ़ती है, अब आप राज्य के प्रेम में इतने डूब गए हैं कि स्वयं के अस्तित्व को ही मिटा दिए हैं। अब गंगा भी आप नहीं रहे, अब तो साक्षात सागर में मिलकर सागर बन गए। जिस सागर के जल से गंगा जी का जल भी सिंचित होता है, उस अनंत सागर में मिलकर आपने अपने अस्तित्व को मिला लिया। उसी तरह से मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से नाए तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप है धाम के मान। वाणी क्या कह रही है? तो कहे धनी बराबर, इस एक चरण का चिंतन कर लीजिए, हमारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। जब तक आप अपने को शरीर भाव से देखेंगे तब तक आप एक सामान्य प्राणी हैं, आपके अंदर काम क्रोध मद लोभ अहंकार की ज्वाला धधकती रहेगी। जब शरीर भाव से परे हो गए, संसार भाव से परे हो गए, शरीर और संसार को आपने हमेशा के लिए भुला दिया,
तो इसका अर्थ मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप शरीर छोड़ दीजिए, आप मन से मर जाइए, शरीर और संसार का कोई मोह ना रह जाए, आप आत्मभाव में विचरण करने लगे, लगी वाली कछो न देखे पिंड ब्रह्मांड वा को हरी नाई। अभी आपने चौपाई में सुना, इस कापे पी वहीं और पिलावे बेशक, स्वयं ब्रह्मात्मा राजी के प्रेम का रस का पान करती है और दूसरों को पिलाती है। प्रेम का रस कब मिलता है? प्रेम का रस बराबरी में होता है। मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से ना आए, तो कहे धनी बराबर जो मूल स्वरूप है धाम के माए। परम धाम में ब्रह्मात्माओं के मूल तन है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनकी महिमा और धनी की महिमा बराबर है। तो कहे धनी बराबर जो मूल स्वरूप है धाम के माए, इन्हों को देखे से स्वभाव स्वभाव जैसे याद किए हुए हक। ब्रह्म सृष्टियों के दर्शन से वो पुण्य मिलता है जैसे राज्य की बंदगी का पुण्य मिलता है, इसलिए किसी परमहंस का दर्शन वैसे ही फलदायी होता है। और यदि हर सुंदर साथ अपने अंदर संसार की भावना हटा दे, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं पंच तत्व का शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं वह परात्मा हूँ जो राज्य के चरणों में बैठी हुई इस माया के खेल को देख रही है, जब उस भाव में आप डूब जाएंगे तो आपके हृदय में कौन बस गए? राज्य। जिसके हृदय में राज्य बस गए वो उनका स्वरूप बन जाता है। इसलिए तो कहा है, तो कहे धनी बराबर जो मूल स्वरूप है धाम के माए। कीर्तन में एक प्रकरण आता है जिसमें कहा है, ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने ब्रह्म जैसी तुदोगत। ब्रह्म सृष्टि और राज्य में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, राज्य के ही तन तो परात्म है। हाँ, हमें परात्म के भाव में डूबना नहीं आता, हम नकल जरूर कर लेते हैं, जैसे कि आजकल परंपरा चल गई है, मैंने बार बार कहा, किसी को थोड़ी सी अनुभूत हो जाती है तो कहने लगता है कि मैं राज्य हूँ। यह नहीं कहना चाहिए कि मैं राज्य हूँ, यह कहना चाहिए कि राज्य मेरी आत्मा के दिल में है, मैं राज्य की मेहर से हूँ। इस जागनी ब्रह्मांड में किसी भी ब्रह्मात्मा को राज्य बनने का अधिकार नहीं है, केवल महामति जी को शोभा मूल स्वरूप ने दी है। इसलिए कहा है, कोई दूजा मर्द न कहावी एक मेथी पाक पूरन। मूल स्वरूप ने सारी शोभा नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेक तुम्हारे लिए, महामति जी को सारी शोभा दे रखी है। और इस माया के संसार में हर किसी को कहने का अधिकार है। एक भक्त भी कह देता है, मैंने सूरदास के प्रसंग कई बार चर्चा में सुनाया है। एक बार सूरदास कीचड़ में फंस गए थे, भगवान कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ करके बाहर निकाला और हाथ छुड़ाकर जब जाने लगे तो सूरदास उनकी बाँह को जोर से पकड़ने लगे, कहते हैं कि मत छोड़िए, कहते कि नहीं बाबा तुम्हें तो अकेले ही जाना पड़ेगा। बाँह मरोड़ कर अदृश्य हो जाते हैं, सूरदास को दिखाई तो नहीं देता। सूरदास जी ने भी चुनौती दे दी कि बाँह छुड़ाए जात हो, दुर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तब जानू मैं तो, आपकी शक्ति नहीं कि मेरे हृदय से निकल जाओ। तो आपको अधिकार है कहने का कि राजी मेरे दिल में है। आप जिससे प्रेम करते हैं उसको तो दिल में बसाए रहते हैं, आपने अपना अस्तित्व मिटा दीजिए, आपका अस्तित्व तो कुछ है ही नहीं, जो है वह है। लेकिन आप मूल संबंध से कहिए, स्वाभिमान से कहिए कि मेरे दिल में राज्य है, मेरे दिल में माया नहीं होनी चाहिए, मैं परमधाम की आत्मा हूँ और मेरे दिल में राज्य रहते हैं। ये मत कहिए कि मैं राज्य हूँ, यदि आप कहेंगे कि मैं राज्य हूँ तो आप पर गुनाह लग जाएगा। लेकिन यदि आप कहते हैं कि मेरा सर्वस्व राज्य का है और राज्य मेरे दिल में है, मेरे हृदय का रोम रोम राज्य के लिए है, राज्य के प्रेम में समर्पित है, तो आप इत भी धन धन होंगे और उत भी धन धन होंगे। इसी को कहते हैं इस कापे पी वहीं और पिलावे बेशक। लेकिन आपको भाव किस पर रखना पड़ेगा? परात्म की भावना से। आप इस दुनिया के शरीर से, इस दुनिया के नाम से, इस दुनिया के वर्ग से, प्रांत से सबसे ऊपर उठ जाइए। जहाँ सुंदर साथ का सम्मेलन होता है तो कितने बंटवारे होते हैं, ये पंजाबी सुंदर साथ, ये गुजराती सुंदर साथ, ये नेपाली सुंदर साथ, सब अपने अपने पहचानने लगते हैं कि भाषा से कौन हमारे क्षेत्र का है, जिला से कौन हमारे क्षेत्र का है, गांव से हमारे कौन क्षेत्र का है, बिरादरी से कौन, जाति से कौन, ये सारे माया के बंधन हैं, इन सबको भुला दीजिए। आप अपने को क्या समझिए? मैं परम धाम की आत्मा हूँ, मेरे और धनी के बीच में इस संसार का कोई पर्दा नहीं। जब इन भावों में रहेंगे तो
तो माया आपसे कोसों दूर भागती रहेगी। माया गई पुताने घेर, अभी आत्म तू जाग्ञानी के। अभी जो मैंने चौपाई पढ़ी थी, केवल उसका एक चरण बसा लीजिए तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप है धाम के माया। संसार के बल का अधिक अहंकार मत कीजिए कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, मेरे पास 10 कोठियां हैं, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना विद्वान हूँ, ये तो माया की चीज़ें हैं। सबको बुलाकर केवल धनी के चरण पकड़ लीजिए, केवल दिल में धनी को बसा लीजिए। आप धनी के, धनी आपके, आपके बीच में कोई तीसरा नहीं। और इस प्रेम के बल पर देखिए आपके जीवन की दशा बदलेगी, दिशा बदलेगी। आपको लगेगा कि राजी हमसे कभी दूर नहीं थे, और सारा परमधाम आपको अपनी आत्मा के धाम हृदय में दिखेगा। यह जो माया का संसार दिख रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, इस माया के भवसागर में बड़े बड़े ऋषि मुनि डूब गए, आज भी डूब रहे हैं। बड़े बड़े योगी यति भी, विद्वान भी, बड़े बड़े विद्वानों को, ऋषि मुनियों को इस माया ने छका दिया। सुख सनकादिक ने नोट टली, लक्ष्मी नारायण ने फरीब ली, और उस माया को अब आसानी से जीत सकते हैं केवल राज्य के प्रेम का सहारा लेकर। बस शरीर से दृष्टि हटाइए, लेकिन यही होता है, हमारी दृष्टि शरीर से हटती ही नहीं। कहीं भी जाइए, हर कोई अपने नाम के आगे क्या लगाता है, सरनेम लगाता है, ये बताने के लिए कि मैं स्कूल खानदान का हूँ। अपनी बिरादरी का परिचय देगा, अपने प्रांत का परिचय देगा, अपने धन का परिचय देगा, दिखाएगा कि मेरे पास इतनी संपदा है, मेरे जैसा कोई नहीं। ये सब कुछ माया है, और ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप सोचिए, आप क्या लेकर इस संसार में आए हैं, क्या लेकर जाएंगे? आप राज्य के प्रेम का निर्णय करने के लिए इस संसार में आए हैं, तो केवल प्रेम को ही अपने जीवन का आधार बनाइए। यही प्रेम आपको परम धाम के दर्शन कराएगा, यही प्रेम आपको यही बैठे बैठे युगल स्वरूप की अनुभूति कराएगा, और यही प्रेम आपको बताएगा कि आप में और राज्य में मूलतः कोई अंतर नहीं है। इस माया के तन को धारण आपने किया है, तो माया आपको दिख रही है। जिस दिन आप सब कुछ राज्य को सौंप देंगे, उस दिन आप दावे से कहेंगे कि राज्य आप मेरे हृदय में है, मेरे हृदय से आप निकल कर दिखाओ तो मैं आपको जानूं। आप छुपाई दे रहे आशिक न लेवे दानाई।